साथियों, आज पूरा भारत बहुत कसूती जगह पे खड़ा है। आज सामना होना भारत के किरती किसानों का, मजदूरों का, जिहड़े इस देश के हुक्मरान आ, उन्होंने नाल अज साडे दरमियान बहुत बुद्धिजीवी, साडे बहुत ही सत्कार जो अमोलक सर जी, भैन जी सुरेंद्र कुमार कोछड़ जी, मोहन सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन एकता वराहां दे सीनियर आगू आ, और साडी भैन कुलवंत कौर नगर जी और जसविंदर पप्पी जी, उन्हां दे प्यारे दो बच्चे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत भी गाया, और साडे ब्रदर धर्मिंदर मसाणी जी, थोड़ी सारी जिनी भी टीम इतने अज भैन जी साडे रैपर डब्बे तो मेरे ख्याल परमजीत, अज भागा वाला समा है। मैं समझदा साडे घर भी कई बार गल हुंदी है कि जो कितने कोई अंदोलन की जां संघर्ष की गल आ जाती है तो बच्चे कहिंदे कि देखो हुण किदां नूर आया हांती मोहन दे। तो सानूं खुशी हुंदी है जदों इन्ने महान बुद्धिजीवी साडी अज धरती ते तुसीं पहुंचे हो। सद्दा देण लई सलूट है जी तुहानूं, सारी टीम नूं सिजदा करदे हां सिर झुका के कि तुसीं सानूं इस काबल समझिया। असीं सब तों पहलां तां तुहानूं विश्वास दिवाउने हां कि जथेबंधक रूप दे विच मठड्डा कलां तों वड्डा काफला जिहड़ा आ उह लै के तुहाडे आशीर्वाद सदका उत्थे आपां टिकरी बार्डर ते पहुंचिया जाएगा जी। असीं अज ही शाम नूं बैठ के प्लैन करके 7 तरीक नूं जिहड़ा आपां इत्थों चाला पाया जाणा जी, 7 तरीक नूं सवेरे 9-10 बजे जे चलांगे तां रात जिहड़ा सारा रस्ता जिहड़ा आ उह सफर दा तय हो जाएगा। सर उन्हां ने दस्सिया वी 7 तरीक नूं अगर चाले पाए जाणगे ते 8 तरीक नूं उत्थे पहुंचणा। 7 तरीक ਘੋਲ ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਘੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਬੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ 31-32 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਸਿਰੜੀ ਸੀਗੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵਿਕੇ ਆ, ਨਾ ਝੁਕੇ ਆ, ਨਾ ਡਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ 2-2 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
कि अंदोलनकारी उत्थे मातावां भैणां भरा जिहड़े आ उह किद्दां उत्थे अंदोलन कर रहे आ। जिवें सर उहनां ने दस्सिया कि रीढ़ दी हड्डी तोड़न दा प्रोग्राम है उहनां दा, फिर लत्तां बाहां नहीं चलणियां। बहुत वड्डी गल है, डूंघियां विचारां सर उहनां ने कीतियां, बहुत डूंघे विचार सी उहनां दे। मेरे कोल शब्द नहीं कि तारीफ की जाए जिहो जिही डूंघाई दे नाल भैण जी और मुलक सर उहनां ने और सर मनमोहन सिंह उन्होंने दसिया। तो बहुत शलाघा करनी बनती है जिहड़े इस अंदोलन चला रहे आ, वख वख बॉर्डर के उत्ते आ, वख वख थावां दे उत्ते, मॉलां दे उत्ते, सारिया थावां ते पेट्रोल पंपां दे उत्ते जिथे भी अंदोलन कर रहे आ। मेरा सलूट है उन्होंने लोगों नूं, मैं कहना कि आपां भी इस अंदोलन दे विच हम हमा के इहदा योगदान पाउणा चाहीदा। इह ना सोचो कि असीं दो वारी जाए आए हैं, इह ना सोचो असीं तीन वारी जाए हैं। बहुत सारे साथी आ विचों पिंड चों इत्थे, उदों आपां कल्ले कल्ले गए हैं, कदी जथेबंदक हो के देखियो नज़ारा की आउंदा अंदोलन दे विच शामिल होंदा। जदों आपां जथेबंदक हो के जांदे आपां पिंड दे विचों इत्थे एक प्रोग्राम बनाया जाऊगा। मेरा ख्याल आ फाइनल सैरमनी कर ही दिता भी 7 नूं आपां ने सवेर नूं चलना इत्थों 10 बजे। देखते हैं किन्नियां गड्डियां बन सकदियां। मैं होर भी मैसेज ला के असीं इलाके दे इत्थों भी मतावां भैणां भी शिरकत करनगियां। हो सकदा 2-3 बसां आपां कर लैंदे हां ते जिहदे नाल थोड़ा जिहा आराम भी रहेगा, ते जे हो सकदा ट्रालियां दा प्रोग्राम भी होया तां भी कोई दिक्कत नहीं है। किसे तरह दी भी असीं प्रोग्राम बना लवांगे जी। तो जिहड़ा आपां सारयां नूं तुहानूं साडे वल्लों इक स्पैशल बेनती आ कि अपने नाल 2-2, 4-4 साथियां नूं आपां कायम करके इस अंदोलन नूं कामयाब करन दे लई उहदे च योगदान पाईए। बाकी बहुत सारियां विचारां, बहुत सोहणियां गल्लां हो चुकियां, मैं बहुता ज़्यादा समां नहीं तुहाडा सारयां दा लैणा। इस तों बाद चाह आपां छकणी आ, तैयार है सारा कुछ। सारयां नूं बेनती भी है कि तुसीं सारयां ने चाह छक के जाणा नाल, मेरे घर कोई हैगा होर भी थोड़ा बहुत खाण पीण लई ते उह सारा कुछ खा पी के जाणा, क्योंकि काफ़ी लंबा समां हो गया आपां नूं इत्थे बैठिआं नूं। ते तुहानूं सारयां नूं इक वारी हाथ जोड़ के फिर तों बेनती है कि आपां 7 तरीक दे लई तैयारी कढ़ीए तां कि उत्थे वड्डे काफले दे नाल आपां जिहड़े आ उत्थे शिरकत करिए। इहदीआं बेनती करदा होइआ बार बार जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।